जो लॉ सूट का केस का पैसा होता है ये जायज़ होता है। देखिए ये जो मामला है लॉ सूट का और किसी पर केस डाल के पैसे लेने, ये गैर मुसलमान कंट्रियों में ज़्यादा होता है, जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा या यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में एक सिस्टम ये होता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके ऊपर लॉ सूट डाल दी, कोई घर के स्लिप हुआ है उसके ऊपर लॉ सूट डाल दी, उसके ऊपर केस फाइल करके फिर पैसे वसूलने की कोशिश की है। ये करना बिल्कुल भी, ये सारा पैसा हराम का पैसा है या हलाल का पैसा नहीं है। किसी के ऊपर लॉ सूट करके उससे पैसा वसूल के उसका एडवांटेज लेना है बकायदा, बल्कि ऐसा होता है कि किसी के घर के आगे से गुजरे, स्लिप हुए तो फौरी तौर पर पुलिस को कांटेक्ट करके कि मैंने इसके घर के आगे स्लिप हुआ हूँ, तो फिर क्या होता है कि बीच में वकील इन्वॉल्व होता है, ये सारे आपस में एक गेम प्ले करके उसके ऊपर लॉ सूट फाइल कर देते हैं। लॉ सूट होता है किसी के ऊपर केस डालना, केस डाल के फिर उससे पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं, फिर उस घर की जो इंश्योरेंस होती है वो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो पे करती है। इसी तरह गाड़ी का एक्सीडेंट जो होता है बॉडी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो दूसरी गाड़ी ने हिट किया होता है बीच में वकील इन्वॉल्व होकर, मेडिकल इन्वॉल्व होते हैं, पेपर बनवा के, थेरेपी करवा के, ये करवा के, सारा सिस्टम रेडी करवा के फिर उनसे पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं, ये सारा पैसा हराम का पैसा है। जो जायज़ चीज़ है, जो जायज़ चीज़ ये है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें आपको बॉडी इंजरी आई हुई है, उस बॉडी की इंजरी के बीच में जो एक्सपेंसेस हॉस्पिटल वालों ने आपको बिल किए हैं, सिर्फ वो ही एक कुदरती तौर पर आपको जायज़ है कबूल करना। इसके अलावा सारा पैसा हराम का पैसा, आपकी पूरी आखिरत बर्बाद कर देगा ये पैसा। इसी तरह जो घर के आगे स्लिप हुआ है, इस सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपकी बॉडी इंजरी आई है तो फिर जिस घर के आगे आई है उसमें एक लीगल मैटर ये होता है कि आप उतना पैसा उनसे आप लें जितना, अगर आपकी बॉडी को इंजरी आई है सिर्फ वही जो बिलिंग के पैसे होते हैं सिर्फ यही है कि जायज़ और हलाल पैसे हैं। इसके अलावा अगर आपको पैसा किसी से एडवांटेज ले रहे हैं, ये सारा पैसा अल्लाह की नज़र में एक हराम का पैसा है या हलाल का पैसा नहीं है। तो इसी तरह लोग गलत केसेस बनाते हैं, इस तरह कहते हैं दे आर नॉट अ हलाल इनकम एट ऑल। तो जो जायज़ होता है वो ये होता है कि अगर बॉडी इंजरी आई है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ वो जो बिल आया है, गाड़ी टूटने का पैसा आया है या कुछ इंजरी हुई है, दैट इज़ द ओनली जो जायज़ पैसा यू आर एक्सेप्टेबल। अगर ये नहीं हुआ देन यू टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम अदर पर्सन फॉर इन द मैटर्स ऑफ रिसीविंग अ मोर मनी, तो ये सारा पैसा हराम का पैसा है, दिस इज नॉट अलाउड टू डू दैट।